नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस गुरु आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल महिंद्राज पे। और आज जैसा कि पता है आपको सैटरडे, और होता क्या है आपका टेस्ट। अब ये मत कहना सर टेस्ट मतलब हमारा ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, नहीं, आपके नॉलेज का टेस्ट, यानी जीएस में कितना आते हैं, कितने तैयार हो गए हम एनटीपीसी एग्जाम के पहले। क्योंकि हम लोग डे टू डे, मंडे टू फ्राइडे चैप्टर वाइज देखते हैं, और सैटरडे को होती है आपकी 40 क्वेश्चन की टेस्ट। तो जैसा कि अभी मैं आपको पूछ रहा था आपसे कि अपने अपने कमिटमेंट बताइए कितने मार्क्स आएंगे, अच्छा लगा सुनकर कि आप लोगों ने 30+ ही कहा है, 30+ ही कहा है, यानी 40 में से 30 मार्क्स जरूर आएंगे। तो कहा भी जाता है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, थिंक पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो तो अब तैयार है सेशन के लिए, और साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन इसलिए क्योंकि हमें चाहिए लास्ट में आपके मार्क्स। जब वीडियो खत्म होगा तब हमें एक्चुअल मार्क्स चाहिए, आपने कितने अटेम्प्ट लिए, कितने स्किप किए, और कितने ओवरऑल काट कूट करके कितने मार्क्स आपके आए, एकदम वीडियो खत्म होने के बाद शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो। और याद रहे आपको, वीडियो गुरु अब आ गया कॉम्बो में। अब तक बात करते थे सर वीडियो गुरु क्या, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉम्बो चाहिए कि सर हमें रेलवे के साथ, रेलवे मैथ के साथ जीएस फ्री, या जीएस के साथ मैथ फ्री। तो अब 2499 का जो प्राइस है वो एक्चुअल 2999 को कर दिया गया 2499, और उसमें से भी 5% एडिशनल ऑफ, यानी 2499 का 5% आप माइनस कर दें, इसके बाद आपको कॉम्बो पैक में मिलेगा, चाहे मैथ जीएस हो, जीएस रीजनिंग हो, या रीजनिंग या मैथ्स हो, जो रेलवे का सिलेबस है उसके कॉम्बो मिलेंगे आपको myshop.mahindra.org के साथ। ठीक है, चलिए। तो अब टेस्ट के रूप में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा था, फ्लड नोन एज द बाइल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी, पीत के रूप में जाने जाने वाला द्रव शरीर के किस भाग से उत्पन्न होता है, अग्नाशय, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, लीवर, यकृत, किडनी, वृक्क, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर वन, और ये चल पड़ा आपके सामने टाइमर। यानी जैसा ही टाइमर खत्म हुआ आपके सामने जवाब हाजिर हो गया। दैट मीन्स जो पीत है वो निकलता है लीवर से, लेकिन स्टोर्ड होगा कहां, गॉल ब्लैडर में। और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज यानी कहें एक ऐसा ऑर्गेन बॉडी का जो दोनों रूप से काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में। अगर बात किया जाए सर लीवर की, या कहें पीत की, तो पीत क्या है, यकृत एक तरल पदार्थ उत्पन्न करता है जिसे पीत के रूप में जाना जाता है, जो होता है किस कलर का, येलो ग्रीन कलर, येलो ग्रीन कलर। और यकृत पीत को पित्ताशय में जमा करता है, यहां स्रावित करता है, जो हमारे अमाशय के ऊपरी दाहिने हिस्से में हमारे यकृत के ठीक नीचे स्थित एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग होता है। मैं चाहूंगा जरा कमेंट बॉक्स में लिखें लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, लीवर के अध्ययन को क्या कहेंगे। ठीक है, अगर कभी पीएच वैल्यू पूछ दिया जाए तो समझना, पीएच वैल्यू ऑफ कॉमन डक्ट बाइल, यानी जो डक्ट बाइल है इसकी बात करेंगे तो उसका पीएच वैल्यू 7.5 से लेकर 8.05, लेकिन पित्ताशय की थैली की बात करें, इसकी बात करेंगे, तब हो जाएगा 6.80 से लेकर 7.65। यानी अगर ओवरऑल हम बात करें पीएच वैल्यू की तो ये 7 से 8 के बीच वैरी करता है, खासकर किसकी, तो बाइल की, बाइल जूस की। ठीक है, चलो हिपैटोलॉजी अगर आप देखेंगे, चाहे लीवर की बात करें, चाहे गॉल ब्लैडर की बात करें, चाहे पैनक्रियाज की बात करें, तीनों के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं, तीनों के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। यानी आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाए, चाहे किसकी, गॉल ब्लैडर की बात करें, लीवर की बात करें, या पैनक्रियाज की बात करें, तीनों के अध्ययन को क्या कहेंगे, हिपैटोलॉजी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉच हैज ऑन द फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच, निम्नलिखित में से किस टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच जीता है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, क्वेश्चन क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू,
क्वेश्चन नंबर टू का जवाब क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। यानी किस टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में बताएं किसे हराकर जीता है, किसे हराकर जीता है, ये किसे हराकर जीता है। मैं ही आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, न्यूजीलैंड को हराया और पहला डे नाइट टेस्ट मैच 2015 को खेला गया था। 2015 में खेला गया था, कहां खेला गया था, एडिलेड में खेला गया था। और विश्व की ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम है, इकलौती टीम है जिसने अपना पहला डे नाइट टेस्ट, पहला टेस्ट, पहला वनडे और पहला T20 मैच जीता है। यानी एकमात्र कंट्री ऑस्ट्रेलिया जिसने क्या किया, ओवरऑल अपना परचम लहराया है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पे। ठीक है, चलिए मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप कब जीता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Which of the following is not true about बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। उन्होंने गीता रहस्य लिखा, उन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की, उन्होंने अंग्रेजी में एक अखबार केसरी की शुरुआत की, उन्होंने 1916 में होम रूल की शुरुआत की। क्या होगा, यानी अगर इस क्वेश्चन की बात करें क्या होगा, वर्ल्ड कप 5 बार जीता है ब्रदर, लेकिन 1987 में पहली बार जीता है, 1987 में पहली बार जीता था, जो मैंने क्वेश्चन पूछा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गीता रहस्य लिखा है और 1893 में गणपति महोत्सव, इसके अलावा शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की गई, और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है गलती क्यों होगा, क्योंकि सर केसरी की शुरुआत तो की थी उन्होंने, की थी जरूर, लेकिन ये अंग्रेजी नहीं, ये था मराठी। क्या था, मराठी भाषा में केसरी की शुरुआत की गई थी।
मूड खराब हो जाता है यार, 40 क्वेश्चन समझ रहे हो। चलो चलो ठीक है, बफरिंग हो रहा है अभी। चलो चलो कोई नहीं, चलो हाँ ठीक है, देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी कहें या हड़बड़ी कहें, कहने का मतलब क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में है, यानी वो ऊपर वाले के हाथ में है, इस कारण से कुछ टेक्निकल इशू हुआ और मैं बिना बोले जब भी मैं गायब होता हूँ तो आपको बोल के जाता हूँ कि मुझे मिस्टर इंडिया बना दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल इशू हुई कि मैं खुद मिस्टर इंडिया बन गया, ना आपको आवाज़ दिखाई पड़ा और ना कुछ और। अब आवाज़ सुनाई पड़ रही है, चलो क्वेश्चन क्या था समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहा, कौन सा सही नहीं है। बच्चे हमें भी बुरा लगता है जब लाइव टेस्ट में आपके साथ हम भी गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ना आपके हाथों में है ना हमारे हाथों में है, ठीक है। देखो अब कहा क्या कि सबसे हल्की हल्का तत्व, भैया हाइड्रोजन ना होगे क्या होगा, यहाँ हीलियम होगा, क्या होगा, हीलियम होगा सबसे हल्की तत्व, क्या सबसे हल्का तत्व हीलियम, सबसे भारी धातु, भारी धातु ऑस्मियम, कठोर धातु प्लैटिनम, सबसे हल्की धातु लिथियम। क्लियर है बच्चे, आई बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ मीराबेन एंड एसोसिएट एंड डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के एक सहयोगी और शिष्य मीराबेन का मूल नाम क्या था, मिलीग्राम पुलाक, मार्गरेट कजिन्स, मैडलिन स्लेड, कोई नहीं नन, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, यानी जैसा ही टिक 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 खत्म हुआ जवाब खुद सामने आकर, यानी महात्मा गांधी के एक सहयोगी और शिष्य मीराबेन जिसे हम जानते हैं, अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे आधुनिक भारत में, तो मीराबेन गांधी जी की एक सहयोगी रही हैं जिसका मूल नाम, वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये किस देश से संबंध रखती थी, यानी किस देश की महिला थी ये। मैडलिन स्लेट एक ब्रिटिश महिला थी जिसे मीराबेन या मीराबेन के नाम से जाना जाता था। यह नाम महात्मा गांधी ने दिया था, किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। उन्होंने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, मानव विकास और गांधी के सिद्धांतों की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया भारत आकर। इस लिहाज से आजादी के बाद भारत में भारत सरकार ने 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया इनको, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेंटियम का जनक कहा जाता है, नरेंद्र सिंह कपानी, विनोद धाम, अजय भट्ट, कोई नहीं। चलो जितने सारे आपके मित्र इधर उधर भागे हैं उनको लिंक शेयर करो और बुलाओ, बोलो भैया क्लास शुरू हो गई है। किसे पेंटियम का जनक कहा जाता है, विनोद धाम, यानी पेंटियम का जनक किसे कहेंगे, विनोद धाम को कहेंगे। एनी आइडिया, नरेंद्र सिंह कपानी किसके जनक होंगे, कोई आइडिया, नरेंद्र सिंह जब कपानी की बात करें ओएफसी केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अजय भट्ट की बात करेंगे तो सर अजय भट्ट ने क्या किया, कंप्यूटर की दुनिया को आसान बना दिया, कंप्यूटर की दुनिया को आसान बना दिया, क्या किया देखते हैं। विनोद धाम को यूएसए के इंटेल कंपनी के अत्यधिक सफल पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर के विकास में उनके योगदान के लिए फादर ऑफ द पेंटियम चिप के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ द पेंटियम चिप के रूप में जाना जाता है। नरेंद्र सिंह कपानी एक भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल के जनक के रूप में जानते हैं। और अजय भट्ट साहब
यूएसबी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? अजय भट्ट को यूएसबी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कह दे बच्चे सेबी की स्थापना कब की गई थी? वह 1 सितंबर 1956, 12 जुलाई 1982, 12 अप्रैल 1988 या 23 जनवरी 1992 क्या होगा? चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? बहुत कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है क्या होगा। सर 1 सितंबर 1956 एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1 सितंबर 1956 को, 12 जुलाई 1982 की बात करेंगे नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को, और 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना, सेबी की फुल फॉर्म की बात करेंगे द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 23 जनवरी 1992 को। ठीक है, सेबी की बात करें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में क्या करता है? ये मार्केट रेगुलेटरी ऑथोरिटी कहते हैं इसे, हम प्रतिभूति बाजार के लिए नियामक है। इसे 1988 में स्थापित किया गया और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम एक्ट के जरिए वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई, हेडक्वार्टर मुंबई। और सेबी के अध्यक्ष कौन है जरा कमेंट बॉक्स में बता दो, सेबी के अध्यक्ष कौन है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, सेबी के अध्यक्ष कौन होंगे? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक वायु जनित बीमारी है? मीजल्स, खसरा, टाइफाइड, मलेरिया, कोई नहीं? अजय त्यागी बहुत बढ़िया, पूजा भट्ट, निरंजन दास बहुत बढ़िया, इंद्रजीत महतो बहुत बढ़िया, शंकर दास, सनी सिंह, सुमित, पूनम जी बहुत बढ़िया। यानी एक वायु जनित बीमारी की बात करेंगे ब्रदर, खसरा होगा। खसरा का जो हम कहें पैरासाइट जिसके जरिए फैलता है, मोरबीली वायरस के जरिए यह फैलेगा। यानी यह फैक्ट है कि खसरा किससे फैलता है, वायरस से फैलेगा, उस वायरस का नाम मोरबीली वायरस। यानी कैसे? खांसी से, खांसी के जरिए फैलेगा। टाइफाइड जल जनित रोग है, वाटर से। और मलेरिया आपको पता है मच्छर से फैलने वाली बीमारी, प्लाज्मोडियम वाइवक्स का नाम है, प्लाज्मोडियम वाइवक्स उसका नाम है। अगर हम बात करें वायु जनित बीमारियां, हवा से फैलने वाले संक्रमण है जिनमें चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पार्ट्स अर्थ एटमोस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड, पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6 या 7 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो बच्चों, क्या होगा? कितने भागों में यह विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है। किसमें? 5 भागों में यह विभाजित है। अब चाहूंगा जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि 5 भागों में कौन कौन सा। देखो कैसे याद रखें, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, मेजोस्फेयर, मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर, यानी इसके बाद क्या होगा? एक्सोस्फेयर, बाह्यमंडल। अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे, जितनी भी मौसमी घटनाएं घटेंगी ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे समताप मंडल कहां स्ट्रेटोस्फेयर में, हवाई जहाज कहां उड़ान भरेगा स्ट्रेटोस्फेयर में, क्यों? क्योंकि ये अस्टेबल है, स्थिर है, वहां कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए हवाई जहाज उड़ान कहां भरता है? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ान भरता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ समय के लिए खुला रखा जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा? पहले घटेगा, फिर स्थिर होगा, एक समान रहेगा, वृद्धि होगा या कमी होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दे दो बच्चों, क्या होगा? चलिए, नीतू जी कह रही है सर आज का टाइमर खूबसूरत लग रहा है, बहुत बढ़िया धन्यवाद। यानी एक बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खुला रहेगा कुछ समय के लिए तो क्या होगा? कई लोग कह रहे हैं इंक्रीज होगा, बहुत बढ़िया, कई लोग कह रहे हैं डिक्रीज होगा, कई लोग कह रहे हैं सर एक चीज समझो, अगर बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रहेगा तो जो कंप्रेसर है वो हमेशा वर्क करेगा,
जबकि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद रहेगा तो कंप्रेसर कुछ समय के लिए ऑटो कट हो जाएगा। अरे बात समझ में, यानी जब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखा जाता है तो कंप्रेसर हर समय काम करेगा, क्योंकि कमरे में ऊष्मा बहुत बढ़ी है और तापमान कभी भी थर्मोस्टैटिक स्विच के कट ऑफ बिंदु तक नहीं पहुंचता है। इसलिए क्या होगा, कमरे में अवशोषण से ज्यादा ऊष्मा निकलती है। यदि वेंटिलेशन नहीं है तो इससे कमरा और गर्म हो जाएगा, कमरा गर्म हो जाएगा। आई बात समझ में। एक चीज मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसमें ठंडापन किस गैस के कारण होता है, कौन सी गैस भरी होती है। मैं आपको यह बता दूं, उससे सीएफसी निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन को डैमेज करता है। आपको बताना होगा कौन सी गैस के कारण फ्रिज हमारा ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्णक के कारण, किस पिगमेंट के कारण व्यक्ति की आंखों का रंग भूरी आंखें, नीली आंखें, काली आंखें दिखाई देती है। कॉर्निया, विट्रियस, आयरस या श्वेत पटल। बहुत बढ़िया, क्या होगा, सीएफसी तो निकलता है, गैस बताओ कौन सा होगा, फिरौन। क्या होगा, फिरौन गैस भरी होती है। जो अब देखते होंगे किसी किसी की आंखें काफी खूबसूरत होती है, भूरी आंखें होती है, नीली आंखें होती है समुद्र की जल के जैसा, काली आंखें होती है। तो रीजन क्या है पता है, आयरिस के कारण। जो विट्रियस है पता है, ये लिक्विड जो हमारे आंखों में जेल भरा हुआ है वो विट्रियस के कारण है, विट्रियस के कारण है। स्केलरा यानी श्वेत पटल जो व्हाइट कलर का है, और कॉर्निया। एक चीज याद रखना, जब हम डोनेट करते हैं आई, जब आंख को डोनेट करते हैं तो कौन सा हिस्सा डोनेट करते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, कौन सा हिस्सा डोनेट करते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या होगा, आंखों का रंग हमारी आयरिस में वर्णक की मात्रा और प्रकार से बनता है, ये हो गई आयरिस। अधिकांश मानव आंख एक स्पष्ट जेल से भरी होती है जिसे विट्रोस कहा जाता है, ठीक है। कॉर्निया डोनेट करते हैं, बहुत बढ़िया, क्या डोनेट करते हैं, कॉर्निया डोनेट करते हैं जब आंख नेत्रदान में। कॉर्निया आयरिस के ऊपर एक स्पष्ट गुंबद है, इसे ही दान किया जाता है। श्वेत पटल या स्केलेरा क्या है, व्हाइट पार्ट ऑफ आवर आईज, हमारी आंखों का सफेद हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर भारत में पहला आक्रमण किया, 1172, 1175, 1178 या 1191। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, चलो क्विक जल्दी क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए, क्या होगा। आ गया, टाइमर खत्म, आपके जवाब आपके सामने हाजिर। चार ऑप्शन बच्चे, ये समझना, मोहम्मद गोरी भारत आगमन 1175, 1178 में गुजरात पर आक्रमण करेगा, 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला तराइन का युद्ध जिसमें से मोहम्मद गोरी हारता है, 1192 में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। यानी लगातार चार युद्ध लड़े भारत में, 1175 में, 1178 में, 1191 में और 1192 में। जब आपके एग्जाम में पूछे जाएं, हमेशा याद रखिएगा कि 1175 इज राइट आंसर, 1175 सही होगा, ठीक है, याद रहे। चलो देखो, मोहम्मद गोरी ने भारत में कई अभियानों का नेतृत्व किया, यानी 17 बार आक्रमण हुआ इसका, और 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। यह हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सोमनाथ पर मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण था वो कौन सा आक्रमण था, 16वां आक्रमण था, याद रहेगा, याद रहेगा ना, कोई कंफ्यूजन कि मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था। चलो, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था भैया, एक चीज याद रखो, मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, मैंने बताया, आप लोगों ने भी हां में हां मिला दिया। मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किया है और 16वां आक्रमण 1025 में किया है, 1025 में किया है, और 1030 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी नहीं, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण था भारत में 17 बार, क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13,
कौन सा सही नहीं है, घरेलू मक्खी, अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका, बिल्ली, कैनिस फैमिलियर्स, मेढक, राना टिग्रिना, गाय, बॉस इंडिकस। चलिए पूनम तिवारी जी कह रही है मैंने हा में हा नहीं मिला है, बहुत बढ़िया। यानी कौन सही नहीं है, ये सब के सब साइंटिफिक नेम है। हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, फ्रॉग को राना टिग्रिना कहते हैं, काउ को बॉस इंडिकस कहते हैं। तो भैया कैट का क्या होगा सर, ये है डॉग का, ये किसका है, डॉग का है। कैट का क्या होगा, कैट को बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता को बोलते हैं कैनिस फैमिलियर्स, कुत्ता को बोलते हैं कैनिस फैमिलियर्स। क्लियर हो गया बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 14, कौन गलत है, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट सवाल। ये झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्व हिस्से से निकलती है, चिनाब दो नदियों चंद्र और ब्यास के संगम से उत्पन्न होता है, सतलज की उत्पत्ति राकस ताल से हुई है, रावी की उत्पत्ति हिमालय में रोहतांग दर्रा से होती है, क्या होगा। जैसे ही टाइमर खत्म हुआ जवाब निकलकर सामने आ गया। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये होगा क्या, जवाब क्या होगा। एक चीज समझना, झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्व हिस्से से निकलती है, बिल्कुल सही। चिनाब दो नदी चंद्र और भागा के नाम संगम से उत्पन्न होता है, ना कि ब्यास। सतलज की उत्पत्ति राकस ताल मानसरोवर झील के पास से होती है, रावी की उत्पत्ति हिमालय में रोहतांग दर्रा से होती है। यानी चिनाब दो नदियों चंद्र और भागा के संगम से उत्पन्न होता है। जो बारह लाचा दर्रे हिमाचल प्रदेश में है, एक क्वेश्चन यहां बनेगा कि बारह लाचा पास कहां है, हिमाचल प्रदेश। और जैसे ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है, चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, और अखनूर के पास पंजाब के मैदानों में प्रवेश करते हुए झेलम में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। सर स्क्रीन पर लाया जाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या ओनली वन, केवल वन, क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, जैसा ही टाइमर गया आपके जवाब बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह छुपे रहते हैं, आ जाते हैं सामने। सर एक चीज समझना, कैग की बात करेंगे तो कैग दोनों का हिसाब किताब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। कैग की बात करें, आर्टिकल नंबर 148 में इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल नंबर 148 में इसकी चर्चा की गई है। मैं चाहूंगा कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान समय में कैग कौन है, वर्तमान समय में कैग कौन है। क्वेश्चन नंबर 16, WTO के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। WTO एक अस्थायी संगठन है, जिनेवा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, WTO का आधिकारिक गठन 1991 में किया गया था, क्या होगा। राजीव महर्षि, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, WTO एक अस्थायी संगठन है, नो डाउट। जिनेवा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और WTO का गठन 1995 में किया गया था, 1995 में किया गया था। कब किया गया था, 1995 में किया गया था। अब आपको करना क्या है, WTO का अध्यक्ष कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं हमें WTO का अध्यक्ष कौन है। गैट के सदस्यों ने अप्रैल 1994 में उरुग्वे दौर के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी, क्या होगा। रॉबर्ट एजविडो, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सर गांधी जी ने खुद कहा था 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और यहीं पर इसी अधिवेशन में पहली बार अंग्रेजों से हमने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी, मौलिक अधिकार की मांग की थी। अब इस ऑप्शन की बात करें तो सर महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण
गोखले का पॉलिटिकल टीचर, राजनीतिक गुरु की बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो आप ये समझ लो 1929 में एक अधिवेशन होता है लाहौर में, वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलो अब देखो वीडियो कोर्स। वीडियो कोर्स यानी घर बैठे तैयारी, आसानी से अपने जेब में मोबाइल रखिए, गुरुजी को जब चाहिए देख लीजिए। तो कैसे, उधर था कॉम्बो, कॉम्बो अभी भी है, चाहे आप जीएस के साथ मैथ ले लो, मैथ के साथ रीजनिंग ले लो, या रीजनिंग के साथ जीएस ले लो। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल खेलना है, इंडिविजुअल पढ़ना है, तो 1499 रुपया, जिनमें से 5% एडिशनल डिस्काउंट। इस प्रोमो कोड को यूज करिए और 5% का लाभ उठाइए myshop.mahindra.org पे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड दस्तावेजों के लिए फाइल एक्सटेंशन है? .txt, .doc, .pdf, .pixel, क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा सर? क्वेश्चन नंबर 18, .doc होता है फाइल के लिए, पिक्सल के लिए इमेज होता है, पिक्सल के लिए क्या होगा? इमेज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1959, 15 अक्टूबर 1959, 15 अगस्त 1969, या 15 अक्टूबर 1969, क्या होगा? को इसरो की स्थापना की गई है, इसरो की स्थापना की गई है। कितने क्वेश्चन निकलेंगे समझते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को भारत सरकार के अंतरिक्ष एजेंसी, संस्थापक विक्रम साराभाई, फाउंडर की बात करेंगे विक्रम साराभाई या डायरेक्टर की बात करेंगे, निदेशक की बात करेंगे, के सीवन कहते हैं ना, कैलाश वादेव सीवन, इसके मुख्यालय बेंगलुरु में मौजूद है। मुख्यालय कहां होगा? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सही है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास का यूज, यानी फोटोक्रोमेटिक ग्लास में क्या यूज करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी पदार्थ, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या होगा? यानी कहीं नहीं जाने की जरूरत है सर, सब कुछ एक्सप्लेनेशन भी ओवरऑल सब कुछ, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल सही ये है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में यूज करते हैं सिल्वर क्लोराइड का, और फोटोग्राफी पदार्थ में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रेन में, कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। आई बात समझ में? बहुत गड़बड़ करोगे, देखो ऑल कह रहे हो बच्चे, सारे बच्चे ऑल कह रहे हैं, जो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, इस कारण से ना समझ में आए तो रिस्क ना लो। सिल्वर क्लोराइड किसमें यूज करेंगे? फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोग्राफिक सब्सटेंस की बात करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, केमिकल फॉर्मूला AgBr। मतदान स्याही, इलेक्शनिंग, अभी मतदान का माहौल है, सिल्वर नाइट्राइट AgNO3। कृत्रिम वर्षा की बात करें सिल्वर आयोडाइड AgL। क्वेश्चन नंबर 21, विच एनिमल हैज अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट? किस प्राणी के हृदय में तीन चैम्बर होते हैं? पीजन, लिजार्ड, फिश, लायन, क्या होगा? जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपकी कंफ्यूजन यहीं दूर हो जाए। तीन चैंबर किस में होंगे? छिपकली में होंगे। तीन चैंबर किस में होंगे? छिपकली में होंगे। जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं उसमें तीन चैंबर होते हैं, मगरमच्छ को छोड़कर। छिपकली के हृदय में तीन चैंबर होंगे, मगरमच्छों को छोड़कर जितने भी रेप्टाइल्स हैं उसमें से तीन कच्छ होगा, मगरमच्छ के पास 4 चैम्बर होगा, जैसा ह्यूमन बींग के पास होता है। ह्यूमन बींग में कितने होंगे? 4 चैम्बर होंगे। कबूतर के पास भी 4 चैम्बर होगा, मछली के पास 2 कच्छ होगा, और लायन के पास भी 4 चैम्बर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसे हैं? CO2, O2, NO2 या NH3, CH4, N2, CO2 या NH3, CFC, CO2, CH4 या NO2, CFC, CO2, NH3 या N2, क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे ब्रदर। मैंने एक ट्रिक बताया था, आपको याद होगा, मीना का जलवा। अब ये सोच रहे हो सर ये क्या है, मीथेन CH4 NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा यानी वाटर वेपर जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होगा ग्रीन हाउस गैस के लिए, यानी ये ऑप्शन 3 इज राइट। अब एक चीज समझना कि सर आखिर NH3 ये क्या है, NH3 क्या है, किसका केमिकल फॉर्मूला NH3 है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। NH3 किसका केमिकल फॉर्मूला है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं हमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, AH-64 अपाचे क्या है, एंटी टैंक मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या पनडुब्बी। AH-64 अपाचे क्या है, अमोनिया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत शानदार। अब अपाचे मतलब यह मत समझना सर TVS की जो बाइक है वो अपाचे है, ना ना ना, यह अपाचे क्या है, हेलीकॉप्टर है जो आर्मी को एयरफोर्स को सौंपा गया है। क्या है ये, हेलीकॉप्टर है ब्रदर, यानी बोइंग AH-64 अपाचे विश्व का सबसे उन्नत मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग अमेरिकी सेना द्वारा किया जाता है। भारत के लिए निर्मित पहला AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। क्या है, हेलीकॉप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, फोटोस्टेट मशीन का ड्रम निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पैलेडियम, मैग्नेलियम, क्या होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट रिलेवेंट ऐसे हैं कि आने वाले समय में आपके पेपर के लिए निश्चित है, ठीक है, इसीलिए बस डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे ग्रैब करते हो। क्या होगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, सेलेनियम। सर फोटोस्टेट मशीन का जो ड्रम होता है उसमें सेलेनियम, पैलेडियम की बात करेंगे तो ये एरोप्लेन जो है उसमें यूज करते हैं पैलेडियम का, और एरोप्लेन का जो फ्रेम है बाहरी हिस्सा ढांचा उसमें हम यूज करते हैं मैग्नेलियम का। तो याद रखना सब कुछ, पैलेडियम धातु का यूज एरोप्लेन, और एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर होगा ढांचा होगा वो मैग्नेलियम का यूज करते हैं, मैग्नेलियम यूज करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, किस देश को फ्लाइंग फिश की भूमि के रूप में जाना जाता है, बारबाडोस, जमैका, जापान या चीन। क्वेश्चन नंबर 25, कई लोगों के मन में होगा चीन या जापान, क्यों पता है, विश्व में सबसे ज्यादा मछली क्या खाना या पकड़ना, नहीं पकड़ना, विश्व में सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला देश जापान है। लेकिन अगर मछली उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा मछली प्रोडक्शन में चाइना नंबर वन, मछली पकड़ने में जापान नंबर वन, लेकिन फ्लाइंग फिश की भूमि किसे कहते हैं, बारबाडोस को कहते हैं, क्यों, ये सब के सब कैरेबियन कंट्री हैं जिसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, जिसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो ब्रदर समझ लो, बारबाडोस को फ्लाइंग फिश की भूमि कहते हैं, क्यों, क्योंकि मछली इस देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है, इसीलिए फ्लाइंग फिश की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इस समय केंद्र सूची में केवल 97 विषय हैं, राज्यसभा केंद्र से अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्य की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा, देखो समझना कॉन्सेप्ट, अगर सही होगा गलत नहीं करोगे। लोकसभा पीपल ऑफ इंडिया, क्यों, हम लोग यहां के मेंबर को जिताकर भेजते हैं जैसा भी इलेक्शन हो रहा है, यह सही है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनेगा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस समय 97 नहीं, इस समय 100 विषय हैं, इस समय केंद्र सूची में 97 नहीं 100 सब्जेक्ट हैं,
और राज्यसभा केंद्र से अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्य की रक्षा करती है। ये आपके जवाब सही हो गए। कोई कंफ्यूजन है? अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बच्चे अपने सुंदर सा इमोजी जरा भेजो कि सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल मजा आ रहा है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत में किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद, कानपुर, वेल्लोर, बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा? भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत में किस स्थान पर स्थित है? कानपुर में है, हैदराबाद में नहीं। हैदराबाद में पता है डीएनए फिंगरप्रिंट की बात करेंगे, हैदराबाद चले जाएंगे, जो मूसी नदी के किनारे है। कानपुर की बात करेंगे, वेल्लोर चेन्नई चले जाएंगे, और बेंगलुरु में क्या है, बेंगलुरु यानी कहें हम जिसे कहते क्या है, सिलिकॉन सिटी सिलिकॉन वैली किसे कहेंगे, बेंगलुरु को कहेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मार्च, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 ब्रदर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे तो 8 मार्च को महिला दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, टीबी दिवस 24 मार्च। यानी यहां से आपके 4 और 5 क्वेश्चन के जवाब निकल कर आए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, क्योंकि याद रखना आने वाले पेपर में भैया एक आपके डेट से तिथि से इंपॉर्टेंट जो डे है उसे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, किसने 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता है? स्पाइडरमैन, द फेवरेट, ग्रीन बुक या रोमा। क्या होगा ब्रदर? क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीन बुक को। पता है ये एक चीज समझना, एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत करना, चाहे वो ऑस्कर पुरस्कार हो या एकेडमी अवार्ड हो, डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज मत करना, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, आईपीएल से क्वेश्चन आपका, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह 12वां संस्करण था, मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार खिताब जीता, दिल्ली कैपिटल ने फेयर प्ले अवार्ड जीता, डेविड वार्नर ने ऑरेंज कप, जबकि इमरान ताहिर ने पर्पल, राहुल चहर ने उभरते हुए खिलाड़ी का पुरस्कार जीता, कौन सही है? एकमात्र सही एक ऑप्शन थर्ड। सर यह 12वां संस्करण तो था क्योंकि 2008 में शुरू हुआ है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने 5 बार नहीं 4 बार जीता है, मुंबई इंडियंस ने 4 बार जीता है सर, 5 बार नहीं, क्या गलत कह दिए। दिल्ली कैपिटल ने फेयर प्ले अवार्ड जीता, अरे नहीं सर, किसने जीता, हैदराबाद। डेविड वार्नर तो सही है, इमरान ताहिर सही है, राहुल चाहर का भी गलत है, ये क्या होगा, शुभमन गिल। अब जरा आप कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि शुभमन गिल को उभरते हुए खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, ये किस टीम से खेलते थे या खेलते हैं, अभी भी तो हैं उसमें बने हुए, किस टीम से खेलते हैं? सनराइजर्स हैदराबाद तो बता दिया ब्रदर, किस टीम से खेलते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 19 द्वारा कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है? 4, 5, 6 या 7, क्या होगा? KKR कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 19 की बात करें तो कितने प्रकार के स्वतंत्रता की गारंटी है जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। अरे 6 सर, आपने पढ़ा था 7, हां भैया हमने भी पढ़ा था 7, लेकिन संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, हट गया, तो 6 कौन कौन सा है? सबसे पहले ट्रिक से याद रखें भैया, आपको बोलने की आजादी है, पहला बोलने की आजादी, अब आप बोलने की आजादी, पहला, दूसरा क्या है,
सभा करने की आजादी, सभा करने की आजादी। तीसरा क्या है? संगठन बनाने की आजादी। चौथा क्या है? पूरे भारत भ्रमण करने की आजादी। पांचवा क्या है? भारत में कहीं भी निवास करने की आजादी जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया। और छठा जो बचा वो हम कोई भी व्यापार कोई भी वृत्ति को अपनाने की आजादी। दैट मीन्स छह है, दैट मीन्स छह है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, 19A, 19K, 19(1) जो भी होगा, तो जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, चाहे ए ऑप्शन में रहे, हिंदी में का रहे, रोमन अंक में वन रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 32, कौन तेजस में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है? झूलन गोस्वामी, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी संधु। क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा? पीवी सिंधु, यानी तेजस में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट पीवी सिंधु है। यार अब बताओ 1900 होने वाले हैं, सेशन में मजा आ रहा है? सेशन में मजा आ रहा है? जरा कमेंट बॉक्स में बताओ मजा आ रहा है। तो यार कम से कम जब 1900 हम लोग जुड़े हुए हैं तो लाइक भी होनी चाहिए ना। चलो ठीक है, कई लोग ऐसे हैं सर सेशन देखेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे, वो तो अपवाद में है, लेकिन कम से कम अगर मजा आया तो दो चीज़ तो कर दो, एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, कम से कम बता दो सर हमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रही बातें। 25 फरवरी 2019 को पीवी सिंधु ने बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में स्वदेशी निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का संचालन किया है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तेजस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तेजस का निर्माण किसने किया है, हम इसकी बात करेंगे। तो तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, यानी कौन करेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर है। यह चीज याद रखना कि तेजस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, मोबाइल प्रीमियर लीग 2019 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, शेन वॉर्न। आप देख रहे होंगे सारे सेक्शन से क्वेश्चन है, चाहे साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, या करंट अफेयर्स की बात करें, या स्पोर्ट्स की बात करें, सबसे क्वेश्चन है। इस कारण से क्योंकि 40 क्वेश्चन का जो मेल, विराट कोहली 2019 मोबाइल प्रीमियर लीग 2019 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली है। सर आपको लग रहा होगा MS धोनी है सर। हाँ भैया MS धोनी है, लेकिन किसका? ड्रीम इलेवन का है ये। MS धोनी ड्रीम इलेवन का है, मोबाइल प्रीमियर लीग का नहीं। और शेन वॉर्न की बात करेंगे तो राजस्थान रॉयल्स 2019 IPL का ये ब्रांड एम्बेसडर रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 23वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? कुआलालंपुर, नई दिल्ली, दोहा, मुंबई। चलो क्वेश्चन नंबर 34 क्या होगा? कुआलालंपुर, नई दिल्ली, दोहा या मुंबई। जैसे टाइमर गया वैसे जवाब निकल कर आया, यानी दोहा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 23वां संस्करण दोहा में आयोजित किया गया। कब किया गया सर? 2019 में किया गया, 2019 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23वां संस्करण था। या 21 से 24 अप्रैल 2019 तक दोहा कतर के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, यह याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 29वें संस्करण में किस देश को अतिथि के रूप में नामित किया गया? भारत, रूस, इजराइल, इटली। ब्रदर क्या होगा जरा जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 35, क्या होगा भैया? चीफ गेस्ट भारत को बनाया गया अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 29वें संस्करण में, गेस्ट के रूप में भारत को मौका मिला है। अब एक क्वेश्चन आए कि अबू धाबी कब में जो मेला है कब आयोजित किया गया? 24 अप्रैल 2019 को। कब? 24 अप्रैल 2019 को भारत ने मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर के देश के रूप में भाग लिया, जो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के लोगों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। एक चीज समझना, अबू धाबी कहां? संयुक्त अरब अमीरात में, यानी UAE में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36,
समूह वन या वन ए तत्वों का फैमिली नाम क्या है? क्षारीय पृथ्वी धातु, संक्रमण धातु, क्षारीय धातु या हैलोजन? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। अल्कली मेटल समूह वन को अल्कली मेटल या लिथियम ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहेंगे? लिथियम ग्रुप भी कहेंगे। यानी आवर्त सारणी के समूह वन, जिसे समूह पहले समूह वन ए के नाम से जाना जाता था, पाई जाने वाले क्षार धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। ये वाले जो देख रहे हो ये ग्रुप वन है, जिसे हम लोग लिथियम ग्रुप कहते हैं। कौन कौन से होंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इधर क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 37। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की अवधारणा किसने विकसित की? न्यूटन, कैपलर, गैलीलियो, अरस्तु। त्वरण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? न्यूटन, कैपलर, गैलीलियो या अरस्तु? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चा क्या होगा बताओ? न्यूटन, कैपलर, गैलीलियो, अरस्तु। अच्छा, तीन में खेल रहे हो, तीन नंबर और वन नंबर ऑप्शन में। न्यूटन, याद होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, यानी न्यूटन ने क्या किया? डेवलप किया है। ठीक है, आई बात समझ में? कैपलर का जो थ्योरी है किससे रिलेटेड है? तो प्लेनेटरी मोशन की थ्योरी कैपलर साहब के द्वारा दी गई है। अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल। क्वेश्चन नंबर 38। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 21, 24, 25 या नन, कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। चलो क्विक, जल्दी बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 की बात, 38 की बात करें, ऑप्शन 25। कई लोगों को लगेगा सर ये कब बढ़ गया? भैया 1 जनवरी को अमरावती यानी आंध्र प्रदेश में 25वां उच्च न्यायालय बन गया, 25वां उच्च न्यायालय हो गया। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में। जबकि अगर हम बात करेंगे राज्य कितने हैं, तो सर 29। क्या बात करते हो सर, ये इतने हल्के क्वेश्चन कौन पूछता है? 29 और 7। आपको, आपके लिए एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? आपके लिए एक होमवर्क यही है HW, कि कौन से उच्च न्यायालय में किस राज्य क्षेत्र के आते हैं, कौन से उच्च न्यायालय में राज्य क्षेत्र आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे केरल में लक्षद्वीप अटैच है, वो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, अपने नोट्स में मेंशन करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39। मेरी संघर्षपूर्ण यात्रा किसकी आत्मकथा है? मायावती, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज या ममता बनर्जी? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज इज द ऑटोग्राफी ऑफ, याद है ये सब? चलो बहुत बढ़िया, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर याद नहीं है तो रिवीजन कर लेना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी बुक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे तो जो चर्चा में रहता है, जो चर्चा में होता है उसी की बातें की जाती है, उसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बुक 2012 में लिखी गई थी, 2019 में ममता बनर्जी काफी चर्चित हैं इलेक्शन को लेके, लोकसभा इलेक्शन को लेके, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम की गई आपके लिए, ताकि आने वाले समय में ये क्वेश्चन छूटे ना। यानी मेरी संघर्षपूर्ण यात्रा किसके द्वारा लिखा गया? ममता बनर्जी के द्वारा लिखा गया। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में बताइए किस लैंग्वेज में लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया है। 2012 में लिखा गया था रॉली बुक्स द्वारा, मूल रूप से बंगाली में दीदी ने लिखा, अंग्रेजी संस्करण नंदिनी सेन गुप्ता ने किया, ममता बनर्जी की मेरी संघर्षपूर्ण यात्रा। क्वेश्चन नंबर 40। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट? सोच समझ के जवाब देना, अगर गलती दिया तो पाप लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। चलिए, आपके रीजनिंग गुरु का जवाब आ गया, लेकिन आप बताओगे तभी मैं बताऊंगा रीजनिंग गुरु सही है या गलत है। भैया रीजनिंग गुरु सही हो गए, यानी राज्यपाल। अब सोचो
आप सोच रहे होंगे सर राष्ट्रपति क्यों नहीं, होगा राष्ट्रपति ब्रदर मेरे, पिनाकी चंद्रयानी अगर लोकपाल क्वेश्चन होता तब होता राष्ट्रपति, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति होती है राज्यों में स्टेट में, तो कौन करेगा, राज्य में गवर्नर करेंगे और सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति करेंगे, सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति करेंगे, लोकपाल होता तब। पहला राज्य जहां लोकपाल की नियुक्ति की गई महाराष्ट्र, पहला राज्य लोकपाल की नियुक्ति की गई महाराष्ट्र। अब 40 क्वेश्चन के साथ कहते हैं ना सर कि सर फ्री में लेने में कोई चीज मजा आ जाता है, तो 40 क्वेश्चन के साथ 41वां क्वेश्चन फ्री, क्वेश्चन नंबर 41। किस विद्वान ने ज्यामिति और बीजगणित में प्रगति की लेकिन कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध हो गए, उमर खयाम, अल नफीस, इब्न सीना, अल हैदम। चलो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या होगा, उमर खयाम। सर ये क्या है, पहली बार सुने हैं भैया, जैसे ही हम इंटरनेट की दुनिया में कूदते हैं गूगल पे, आज गूगल ने क्या किया पता है, खूबसूरत देखो खूबसूरत डूडल बनाया है, यानी उमर खयाम जी का डूडल बनाया है गूगल ने। अब ये है क्या जाननी चाहिए, क्योंकि उमर खयाम जी ना होते तो मैथ जो परेशान करता है ना, और आपके परेशानी को कौन आसान करता है, आपके मैथ गुरु और वीडियो गुरु। तो देखें उमर खयाम जी ने क्या किया, उमर खयाम का जन्म 10 मई 1048 में ईरान के नेसापुर नामक स्थान में हुआ था। उमर खयाम ने ज्यामितीय बीजगणित की स्थापना की, जिसमें उन्होंने समीकरणों के ज्यामितीय समाधान प्रस्तुत किए। ठीक है, खगोल शास्त्र में कार्य करते हुए उमर खयाम ने 100 वर्ष की दूरी 0.6 स्थानों तक शुद्ध प्राप्त की। इस आधार पर उन्होंने एक नए कैलेंडर तिथि मलिक शाही, जलाली संवत या सेल्जुक संवत का आविष्कार किया, जो उस समय के ईरानी शासन द्वारा लागू किया गया था, अभी भी ईरानी शासन इसे मानते हैं। यानी फिर से याद दिला दें, वीडियो कोर्स, वीडियो गुरु, रेलवे, ये है ऑल इन वन। तो 4449 सर आप जैसे समझ में आए, आप इंडिविजुअल खरीदिए, इंडिविजुअल लीजिए, या कॉम्बो परचेज करिए, या ओवरऑल करिए, आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट जरूर मिलेगा, बस केवल आपको ये प्रोमो कोड यूज करना है। ठीक है, और कल सॉरी मंडे को, यानी मंडे को आपकी जो क्लास है जनरल साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जनरल साइंस के, जो आपके आने वाले पेपर में 200% जो मुझे लगता है पूछे ही पूछाएंगे। तो बस आप अभी मंडे को बेसब्री से इंतजार करिए, मैं भी आपका वेट करूंगा आपके फेवरेट चैनल महिंद्राज पे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा, कितने गलत किए हो, कितने सही किए हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलेंगे इसी समय आपके फेवरेट चैनल महिंद्राज पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।